हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले बीसीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस फॉर कवियत्री बहिनाबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जो जलगांव की यूनिवर्सिटी है। तो उसका जो फर्स्ट ईयर होता है बीसीए का, तो वहाँ पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और इसके रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं जो आपको हमेशा रिप्लाई देते रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि जलगांव यूनिवर्सिटी के बीसीए जो होता है उसके फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जो पहला सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर होता है, यहाँ पे सबसे पहले जो आपको कम्युनिकेटिव जो इंग्लिश होती है, तो ये आपको यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, तो ये भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद आता है सी प्रोग्रामिंग, यहाँ पे आपको एकदम बेसिक से सी प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी। अगर आपको पहले से कोडिंग नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं, आपको एकदम बेसिक से यहाँ पे सिखाई जाएगी। उसके बाद आता है डाटा स्ट्रक्चर, ये भी प्लेसमेंट की सबसे सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है डाटा स्ट्रक्चर। और इसके बाद आता है एल्गोरिज्म, तो ये दो सब्जेक्ट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके बाद आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इसके यहाँ पे जो आपको इनर पार्ट सिखाया जाता है कंप्यूटर का। उसके बाद आता है कंप्यूटर लैब, देखिए यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग डाटा स्ट्रक्चर, तो इसके ऊपर जो है कुछ प्रैक्टिकल भी होंगे, उसके अलग से मार्क होंगे, तो प्रैक्टिकल आपको लैब होता है तो वो भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद आता है सेकंड सेमेस्टर, तो यहाँ पे सबसे पहले होता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक, तो ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे जो आपको पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे जो आपको टाइप्स वगैरह सिखाई जाएंगी, नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपको यहाँ पे सिखाया जाएंगे। उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग होता है, तो यहाँ पे जो आपको नेटवर्क क्या है उसके टाइप्स वगैरह जो आपको सिखाए जाएंगे। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा, तो यहाँ पे जो जावा लैंग्वेज वो आपको सिखाई जाएगी, जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं उसे यूज करके। ऊप्स के कॉन्सेप्ट मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट, क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे। उसके बाद आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे जो आपको एसक्यूएल के बारे में पढ़ाया जाएगा, एसक्यूएल क्वेरी वगैरह होती तो वो। उसके बाद आता है इसके बाद जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जावा, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट, तो इसके जो प्रैक्टिकल भी आपके होंगे। तो ये सब्जेक्ट होते हैं आपको अगर जलगांव यूनिवर्सिटी से बीसीए कर रहे हो तो। और इसके रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी होंगी तो बेझिझक पूछ लेना, वहाँ पे मैं हमेशा रिप्लाई देते रहता हूँ, कमेंट कर देना। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।